नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामिनेशन 27 में। आज के सेशन में हम पार्टनरशिप का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट वन पढ़ चुके हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए क्वेश्चंस को हल करते हैं। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरम्भ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? अमन 40,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, उसके बाद 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाता है और उसके 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर साझेदार होता है। और व्यापार कितने 2 वर्ष के लिए चला दोस्तों, 2 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि 24 महीने। तो चलिए हल करते हैं इसे। अमन कितने रुपए लगा रहा है दोस्तों? 40,000 रुपये। कितने टाइम के लिए लगा रहा है? 24 महीने के लिए। 2 वर्ष की बात हो रही है। सामंत कितने रुपए लगा रहा है दोस्तों? 60,000 रुपये लगा रहा है। लगा रहा है कितने समय के लिए? देखिए दोस्तों, 6 महीने बाद, अमन से 6 महीने बाद 60,000 रुपये लगा रहा है, तो अमन 24 महीने के लिए लगा रहा है। सामंत 6 महीने बाद लगा रहा है। 24 में से 6 को घटा देते हैं तो कितना बच जाता है दोस्तों? 18 बच जाएगा, यानी कि 18 महीने के लिए वो 60,000 रुपये लगा रहा है। और रचित कितने लगा रहा है दोस्तों? रचित लगा रहा है 50,000 रुपये। कितने टाइम के लिए? सामंत से 3 महीने बाद। सामंत से 3 महीने बाद, यानी कि सामंत अमन से 6 महीने बाद लगाता है और रचित सामंत से 3 महीने बाद। देखो दोस्तों, पूरा व्यापार 2 वर्ष चला। 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। और सामंत अमन से 6 महीने बाद पैसे लगा रहा है और सामंत से रचित 3 महीने बाद पैसे लगा रहा है। सामंत 6 महीने बाद लगा रहा है और रचित 3 महीने बाद लगा रहा है सामंत से। तो देखिए दोस्तों, 6 और 3 कितने हो गए? 9। 24 में से 9 गए 15, यानी कि 15 महीने के लिए पैसे लगा रहा है रचित। समझ आया दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, 0 से 0 काट देते हैं। 24 × 4 कितना हो जाता है? 96 हो जाएगा अनुपात। 18 × 6 कितना हो जाता है? 108। और 15 × 5 कितना हो जाएगा? 75। इसको 3 से काट देते हैं। 3 से ये 32 बार कट जाएगा। 108 कितने बार? 36 बार कट जाता है 3 से। और 75 25 बार कट जाता है। तो इनके लाभ का अनुपात क्या आ गया? 32 अनुपात 36 अनुपात 25। ये इनके लाभ का अनुपात आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए, बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6 बटे 5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 हो तो इसमें से बी का भाग कितना है? ए, बी, सी इस अनुपात में दोस्तों 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगा रहे हैं। और 4 माह बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दे रहा है। और वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है? 21,600। वर्ष का अंत बोल रहा है, तो व्यापार कितने महीने चला? 12 महीने चला। तो चलिए हल करते हैं। ए, बी, सी किस अनुपात में धन लगा रहे हैं? 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। इस अनुपात में एबीसी धन लगा रहे हैं। दोस्तों अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, तो क्या करेंगे दोस्तों, एक ऐसी संख्या जो 2, 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या होगी वो 30 होगी। तो क्या करेंगे, इनके अंश में 30 का गुणा कर देंगे, इनके अंश में 30 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 × 30 बटे 2, 4 × 30 बटे 3 और 6 × 30 बटे 5। तो 2 से कितने बार कट जाता है, 15 बार कट जाता है 30, 3 से कट जाता है 10 बार, और 5 से 30 कितने बार कट जाता है दोस्तों, 6 बार कट जाता है। तो क्या बचा, 15 × 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 105, और 10 × 4 ये हो जाता है 40, और 6 × 36, तो एबीसी ने 105 अनुपात 40 अनुपात और 36 के अनुपात में राशि लगाई है। तो आगे हल करते हैं इसकी। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि 4 माह बाद वो 50% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 4 माह के पहले वो 105 अनुपात ही राशि लगा रहा है। एक 105 कितने माह तक, 4 माह तक लगा रहा है, इसके बाद वो 50% की वृद्धि कर दे रहा है दोस्तों 4 माह के बाद। देखिए दोस्तों 105 जो है 100% है, 105 100% है, इसका 50% कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 को 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाता है 52.2 आ जाता है। यानी कि इतने की वृद्धि कर रहा है, 50% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 52.2 की वृद्धि कर रहा है। तो 105 में 52.2 जोड़ देते हैं, सॉरी दोस्तों 105 को 2 से डिवाइड करो तो ये 52.5 पर जाता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 और 52.5 157.5 हो जाता है। 50% की वृद्धि करने पर 157.5 के अनुपात में वो राशि लगाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जोड़ देंगे 157.5। चूँकि व्यापार 12 महीने चला है और 105 रुपये वो 4 महीने लगाता है, उसके बाद 50% की वृद्धि करने के बाद 157.5 रुपये कितने महीने लगाएगा दोस्तों, इसमें से 4 घटा दीजिए, 12 में से 4, तो ये 8 आ जाता है, यानी कि 8 महीने लगाएगा वो। और बी कितने लगा रहा है, 40 लगा रहा है, ये देखिए 40 12 महीने के लिए लगा रहा है। सी 36 लगा रहा है, ये भी 12 महीने के लिए लगा रहा है। वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 105 × 4 कितना हो जाता है, 420 हो जाता है। धन 157.5 × 8 कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। और 40 × 12 कितना हो जाता है दोस्तों, 480 हो जाएगा। ये 40 × 12 और 36 × 12 कितना हो जाएगा, 432। 420 और 1260 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 1680 अनुपात 480 अनुपात 432। तो ये 16 से 105 बार कट जाता है और ये 30 बार कट जाता है 16 से, और 432 27 बार कट जाता है 16 से। फिर से ये 3 से कट जाता है। देखो दोस्तों ये 35 बार कट गया और ये 10 बार कट गया और ये 27 9 बार कट जाता है। 35 10 और 9 कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 54। ए मान लेते हैं तो वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है? 21,600 हो रहा है। 21,600 रुपये लाभ हो रहा है। 54 से काट देते हैं 21,600 को तो ये 400 बार कट जाता है। 54 से 21,600 400 बार कट जाता है। तो हमसे पूछा है बी का भाग कितना होगा, इस लाभ में से बी का भाग कितना होगा। तो बी का भाग पता करने के लिए दोस्तों 400 का गुणा 10 से कर देंगे क्योंकि 10 बी की वैल्यू है, 35 ए की है और सी की कितनी है 9 है। तो बी की 10 है इसलिए गुणा 10 कर देते हैं। कितना आ गया? 4000 आ गया दोस्तों। तो बी को लाभ में से कितना भाग मिलेगा? 4000 रुपये मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7,600 के लाभ में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 10 माह बाद बोल रहा है, यानी कि व्यापार कितने माह चला? 10 माह चला। ए तथा बी ने कितने राशि लगाई? 4:5 के अनुपात में राशि लगाई। तथा 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो चलिए हल करते हैं इसे। देखिए दोस्तों ए और बी ने किस अनुपात में राशि लगाई? 4:5 के अनुपात में राशि लगाई। और क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। यानी कि 3 माह बाद बोल रहे हैं, यानी कि 3 माह के पहले 3 माह तक उसने पूरी पूंजी लगाई। 3 माह तक पूरी पूंजी लगाता है, ये भी 3 माह तक पूरी पूंजी लगाता है। 3 माह के बाद 1/4 भाग निकाल लेता है। ये जो है पूरा 4 भाग है दोस्तों उसके पास, उसमें से 1/4 भाग यानी कि 4 का 1 भाग निकाल लेता है। तो कितने भाग बचेंगे उसके पास? 4 में से 1 घटा दो तो 3 बचेंगे। 3 भाग बचेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों व्यापार कितने महीने चला? 10 महीने व्यापार चला। 10 में से 3 महीने तो पूरी राशि लगाता है। ये देखिए 3 महीने तो पूरी राशि लगाता है तो घटा देते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 आ जाएगा। यानी कि जो शेष राशि है 4 भाग में से 1/4 भाग जो निकाल लेता है वो, तो 1/4 भाग कितने महीने चलाएगा वो? 7 महीने चलाएगा। 7 महीने चलाएगा, यहाँ गुणा 7 कर देते हैं। उसी प्रकार ये देखिए दोस्तों बी भी 3 महीने पूरी राशि चलाता है। उसके बाद दोस्तों 5 में से वो 1/5 भाग यानी कि निकाल लेता है। तो 10 में से 3 के कितने बचे? 7। दोस्तों 3 महीने तक तो पूरी राशि चलाता है, पूरी 5 की 5। अब क्या करता है? 3 महीने बाद वो 5 में से 1 भाग निकाल देता है। तो कितने भाग बचेंगे दोस्तों? 5 में से 1 भाग चल जाएंगे तो 4 भाग बचेंगे। 4 भाग ये कितने महीने चला रहा है? 7 महीने चला रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों? धन 4 गुणा 7 कर लेते हैं। कैलकुलेशन को पूरी हल कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों 4 तिया 12 और 7 तिया 21। 12 और 21 कितना हो जाता है? दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 33 अनुपात 5 तिया 15 और 7 चौके 28। कितना हो गया दोस्तों? 15 और 28 ये हो गया 43। अब क्या करेंगे दोस्तों? 33 और 43 को जोड़ लेंगे। कितना हो जाता है? ये हो जाता है 76। हम 76 ए मान लेते हैं। और वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है? 7,600 रुपये लाभ हो रहा है। 7,600 रुपये लाभ हो रहा है। तो ये देखो दोस्तों 76 से ही काट देते हैं 7,600 को, तो ये कितने बार कट जाएगा, 100 बार कट जाता है। तो ए बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। अब हमसे पूछा है एक की लाभ में से ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग कैसे निकालेंगे, 100 के साथ 33 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 33 ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो 33 का गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 3,300। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, 3,300 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन साझेदार ए बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के लाभ का 4 गुना, बी के लाभ का 6 गुना तथा सी के लाभ का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीन साझेदारों ए बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाले लाभ की राशियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं इसे। वो बोल रहा है ए बी और सी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों ए के भाग का 4 गुना, तो क्या आ जाएगा, ए गुड़ी 4 आ जाएगा। फिर बोल रहा है बी के भाग का 6 गुना, बी गुड़ा 6 कर देते हैं, और सी के भाग का 11 गुना, सी गुड़ा 11। तो कुल लाभ हम दोस्तों एक मान लेते हैं कि कुल लाभ एक होता है उसे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। बी बराबर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। और सी बराबर क्या आएगा, 1/11 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी संख्या लेंगे जो 4, 6 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर एलसीएम भी ले सकते हैं 4, 6 और 11 का। तो क्या आ जाएगा एलसीएम दोस्तों, 264 आ जाएगा। तो 264 का गुणा इनके अंश में कर देते हैं, 264 का गुणा इनके अंश में कर देते हैं, 264 के अंश में गुणा कर देते हैं 264 का। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 264/4। बी क्या हो जाएगा, 264/6 हो जाएगा। और सी हो जाएगा 264/11। ये देखिए दोस्तों, ये 4 से 66 बार कट जाता है, ये 6 से 44 बार कट जाता है, और ये 11 से 24 बार कट जाता है। क्या 66, 44, 24 और सरल हो सकता है? हाँ हो सकता है। किससे होगा, 2 से होगा, 2 से 33 बार, 44 2 से 22 बार, और 24 2 से 12 बार। क्या आ गया दोस्तों, 33 अनुपात 22 अनुपात 12। तो ए बी सी की राशियों का अनुपात किस अनुपात में होगा, 33 अनुपात 22 अनुपात 12 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। दो साझेदारों ए तथा बी द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभांशों का अनुपात 2:3 है। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित करता है तो बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित करता है, यानी कि टाइम ज्ञात करना है दोस्तों। बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित करता है, हमें दिया है। ए और बी अपनी पूंजियों का अनुपात क्या दिया है, 11:12 दिया है, तथा लाभांश का अनुपात 2:3। 2:3 का लाभ होता है, और ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए लगाई है और बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई ये ज्ञात करना है हमें। तो चलिए हल करते हैं। ए और बी किस अनुपात में पूंजी लगा रहे हैं, 11 अनुपात 12 और अनुपात का मतलब बटे होता है दोस्तों, तो 11/12। ए कितने समय के लिए लगा रहा है, 8 माह के लिए पूंजी लगा रहा है, और बी कितने समय के लिए लगा रहा है ये ज्ञात करना है हमें, तो हम इसे वाई मान लेते हैं। और इनके लाभ का अनुपात कितना है दोस्तों, 2:3 है, लाभ का अनुपात 2:3 है, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों इसे हल कर लेते हैं। 11 × 8 कितना हो गया, 88 हो गया, बटे 12 हुआ है, बराबर 2/3। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणा कर देते हैं। 88 × 3 हो जाएगा, 88 का गुणा 3 से हो जाएगा, बराबर 12 दूनी 24 वाई हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 88 × 3 बटे 24, इधर चल जाएगा दोस्तों, तो अभी गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा 24। ये देखिए दोस्तों 3 से 3 8 बार कट जाता है 24, और 8 से 88 11 बार कट जाता है, तो y बराबर क्या आ गया, 11 आ गया, y बराबर 11 आ गया। दोस्तों b कितने समय के लिए पूंजी निवेश करेगा, b 11 महीने के लिए पूंजी निवेश करेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आशीष ने 5 लाख के प्रारंभिक निवेश से एक व्यापार आरंभ किया, प्रथम वर्ष में उसे 4% की हानि हुई, दूसरे वर्ष में 5% का लाभ हुआ तथा तीसरे वर्ष में लाभ बढ़कर 10% हो गया। 3 वर्ष की अवधि के बाद उसका शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो दोस्तों उसने 5 लाख निवेश किया, प्रथम वर्ष उसे 4% की हानि हुई, दूसरे वर्ष में 5% लाभ हुआ और तीसरे वर्ष में 10% लाभ हुआ। तो 3 वर्ष की अवधि के बाद उसका शुद्ध लाभ ज्ञात करना है हमें, तो चलिए हल करते हैं इसे। देखो दोस्तों आशीष कितने रुपए निवेश कर रहा है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए निवेश कर रहा है। पहले वर्ष उसे 4% की हानि हो रही, 100 में 4% की हानि, कितने बचे दोस्तों, 96 बचे, तो 96/100 गुणित। दूसरे वर्ष उसे 5% का लाभ हो रहा है, 100 में 5% का लाभ कितने हुए दोस्तों, 105, तो गुणित 105/100। तीसरे वर्ष उसे 10% का लाभ हो रहा है, 100 में 10% का लाभ दोस्तों 110 हो गए, तो गुणित 110 कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों ये 50 से 50 काट देते हैं, 2, 4 और ये 1, 5। अब 10 से 110 कितने बार कट गया, 11 बार कट जाता है, तो क्या बच गया दोस्तों, 5 × 96 गुणित 105 गुणित 11। तो हल कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाता है दोस्तों 55,000, और दोस्तों ये हो जाएगा 5,54,400। चूँकि हमें शुद्ध लाभ पता करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे शुद्ध लाभ पता करने के लिए, 5,54,400 में से 5 लाख को घटा देंगे। देखो दोस्तों 5,54,400 में से 5 लाख को घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 54,400 आ जाएगा, 54,400 ही शुद्ध लाभ होगा दोस्तों। आशीष को कितना लाभ होगा, 54,400। देखो दोस्तों आशीष 5 लाख रुपए निवेश करता है, 3 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाती है, 5,54,400, तो 5,54,400 में से 5 लाख को घटा देंगे तो शुद्ध लाभ आ जाएगा 54,400 का लाभ होगा आशीष को। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।